पंजाब दे विच एक बार फिर तो जे कहिए कि लॉकडाउन हो सकता है उहदे कारण इह ने खदशे ने, हालांकि फैसला जे सरकार ने नहीं लिया क्योंकि लगातार कोरोना महामारी दे चलदे कितने ना कितने समस्यावां वध रहियां ने। हैल्थ मंत्री ने गे ब्रीफ कर रहे ने कि आखिर कर किस तरह दे हालात ने। सर, मंत्री पंजाब दे विच जिहड़े लगातार केस वध रहे हैगे आ, देश दे विच वी वध रहे आ, की आने वाले समय दे विच हालात जेकर बिगड़दे आ तां लॉकडाउन लगाया जा सकदा? आप एक चीज़ को अपने वो अंदर बैठ गई है कि भी लॉकडाउन के बारे मैं और कहता अपने ड्यूजेटी ना कि भी लॉकडाउन हो सकता बताया जा सकता है। ये गल सी, ये नहीं कि मैं कह लाया जाएगा, बताया जा सकता है जेकर हालात बहुत ज़्यादा खराब होते रहे। ठीक है, लॉकडाउन 2 दिन का तो है ही अपने पास, ठीक है ना। और लेकिन असी सारे ने लोगों ने कहा भी तुसी यह जी नौबत ना आए कि आपां लॉकडाउन वगैरह लाना पे, कि तुसी अपना एहतियात वरतो, परहेज रखो ता कि असी इस बीमारी तो बच सकी। क्योंकि जिन्नी देर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, असी कोई मेडिसिन या वैक्सीन तैयार नहीं होंगी, उन्नी देर साडे कोले कोई सिर्फ इको एक हल है कि असी अपना परहेज रखिए। तो जो प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किया जां सिहत विभाग ने जारी किए ने जां सेंटर या ऐसी एजेंसी ने किए ने, उन्होंने पूरा पूरा पालन करिए। सिद्धू साहब, देखा जाए जिवें हुण केस भी वध रहे हैगे ने, डैथ रेट वधना शुरू हो गया, हालांकि वो चलो ठीक है, थोड़े डिपार्टमेंट की मेहनत है या डॉक्टरों की मेहनत है कि रिकवरी भी हो रही है, समझदे हो लोगों को खुद भी जिम्मेदारी समझने की लोड़ हैगी अज? बिल्कुल, अज सब तो बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी लोगों की बनती है। हुण तुसीं तुहाडे सामने मैं सवेर का बैठा है कोई 8:30 बजे का, घट्टो घट भी 200-250-300 बंदे मैं सवेर अटेंड किया। मैं उन्होंने सारे हाथ भी बनता, मैं इतने धुप्पे भी बैठा रहा, गर्मी बैठा रहना है कि यार आप कम से कम बाहर बैठ के लोगों को मिलिए, लोग कट्ठे। मैं उन्होंने अपना दफ्तर छड़ता जो उधर बैठो, मैं उस छड़ के नवा पाता कि तुम उत्तर बैठो, दो दो बंदे करके आओ। लेकिन लोगों को रिक्वेस्ट भी करता है कि तुम मेरे फोन पर गल करो, मैंने मैसेज करो, कम हो जाएगा। लेकिन लोगों की मजबूरी भी है, लोगों की मजबूरी के लोगों के बहुत सारे काम जोड़े होंगे ने कि उन्होंने तसली आप उन्होंने सामने कोई फोन ना हो, उन्होंने सामने कोई काम ना हो, अज बहुत ही जैसे हम साढ़े वो टैस्ट टूस चलते हैं होर आ जाते हैं, ज बहुत सारे जगह पर कई समस्यावान आदि ने, बहुत सारे बंदे जोड़े कि उन्होंने मेरा कोई नंबर नहीं, वो दूरों चल के फिरोजपुर तो या अमृतसर तो आते हैं, ठीक है ना, या फाजिलका तो आते हैं। इस करके सब तो बड़ी जिम्मेवारी लोगों की बन गई है कि आप नौबत ना आए कि आप लॉकडाउन लाना पवे, कि असी आप ही परहेज कर लीए, असी आप ही इस गल के बारे दसी रहिए कि असी जिन्ना प्रोटोकॉल जारी किया गया वो पूरी अमल करिए। सर, इस तो अलावा होर जो प्राइवेट लैब है उन्होंने टैसटिंग कोविड टैसटिंग इलाज के लिए कोई सर फीस निर्धारित की है? असी नहीं की हले पंजाब दे विच, वो अंडर प्रोसैस हैगा। असी पहला लाल पैथ तो 3500 रुपया किया, लेकिन हुण साडे कोल अपने कोल कैपैसिटी बहुत हैगी, साडे कोल जिहड़ी कैपैसिटी इस वेले 10,000 असी डेली कर सकते हैं। और असी लोगों को यह भी कह के असी बकायदा एक जो कोई सर्विस आने पर सारे कोई बंदा बाहरों सैंपलिंग लैके सैंपल करके लैके आऊगा, तो साढ़े को असं फ्री ऑफ कॉस्ट वह टैसट करके दे देंगे। मशीन तुम्हें लाइया टीवी वाली तुम कहते वरती जाएंगे तो कोई फायदा नजर आया कोई बढ़िया? बहुत अच्छा फायदा आ रहा है, सारिया मशीन बहुत वजिया रिजल्ट आ रहे हैं, इस करके साड़ी कैपैसिटी बढ़ रही है। सर, एक अमृतसर सर जो 6 डॉक्टर के खिलाफ जो गड़बड़ी आई सी मामला दर्ज किया गया, कि हूँ उस तो बाद प्राइवेट लैब में सर टैसट की परमिशन दी जाएगी? नहीं, ऐदा हैगा कि जेडे बंदे कई बार कोई बंदा गलती करता और उसे पनिशमेंट तो मिलती है ना, लेकिन जिहड़िया पूरा जो ICMR दी गाइडलाइन ने उहदे मुताबिक जो कोई चल रही ने जिहड़िया लैबोरेटरियां ने, तो उन्होंने अप्रूवल ली हुई है, तो उन्होंने बकायदा अपना रजिस्टर कराया होया है, तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी सरकार को इनफॉर्म करना पड़ेगा। एक सर यह दसो कि रामदेव वाली दवाई को लेकर बाबे दी काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है पंजाब दे विच, की उन्होंने परमिशन दी हुई? सेंटर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उन्होंने रिजेक्ट करता है, उन्होंने रिजेक्ट करता है कि तुम इन असी कोई कन्फर्म ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। हेल्थ मंत्री बलबीर सिद्धू तेरा साफ तौर पर कहना है कि हालांकि लॉकडाउन की स्थिति कोई नहीं हैगी, सोच विचार भी कोई नहीं, पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं क्योंकि असं लगातार देखते हैं मीडिया बुलेटिनों के देखते हो कि किमें लगातार इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जे जनता खुद ये चीज़ा नहीं समझू कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, टाइम पर बाजार बंद करने ने, 2 दिन का लॉकडाउन हजे है, आखिरकार यह मजबूरी का एक फैसला हो सकता है कि जे कल मजबूरी पै जाती है तो फिर सानू जरूर लॉकडाउन करना पै सकता है, अदरवाइज पहला हजे लोगों ही समझने की लड़ है कि आखिरकार इस चीज़ को लेकर खुद सुचेत होन, ते नालों नाल ये फैसले हुण सरकारां नूं जे कहीए कि सख्ती कालू करनी पवे, अजिही नौबत ना आउण दित्ती जावे तो जनता नूं खुद भी इस चीज़ लई समझना होगा। अज तों दस दईए कि पतंजलि की दवाई नूं लैके पंजाब दे विच भी किसी तरह की परमिशन नहीं मिलू क्योंकि केंद्र ने उहनूं नहीं दित्ती है।
वीडियो जर्नलिस्ट कमल दे नाल सुमित जोशी डेली पोस्ट पंजाबी चंडीगढ़। पंजाब दे विच एक बार फिर तो जे कहीए कि लॉकडाउन हो सकता है, उहदे कारण इह ने खदशे ने।